युगो युगो से चल रहा है मेल। ग्रह नक्षत्रों का सब है खेल, ब्रह्मांड में ग्रह रोज बदलते हैं अपनी चाल। आइए जानते हैं आज कौन सी राशि होगी माला माल। जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं स्वामी राजर्षि शनि पीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। 10 वर्ष की आयु से ही मैं अपने पूजनीय पिता श्री गुरु रजनीश ऋषि जी के निर्देशन में एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एवं धन ग्रंथों का अध्ययन कर रहा हूँ। तो क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसा रहेगा आज आपका दिन, क्या करें क्या ना करें, किन चीजों से सावधान रहना है, यह सब जानने के लिए आखिर तक देखते रहिए आज का राशि। आज 23 दिसंबर 2019 दिन सोमवार, पौष मास का कृष्ण पक्ष चल रहा है और आज द्वादशी तिथि दोपहर 1:42 तक रहेगी और उसके पश्चात त्रयोदशी तिथि लग जाएगी। आज अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:00 से लेकर 12:40 तक रहेगा। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करने से आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। आज राहु काल सुबह 8:31 से लेकर 9:47 तक रहेगा। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य को करने से आप सभी लोग परहेज करें। जिन भी भक्तगणों ने हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरा अनुरोध है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो उन तक सबसे पहले पहुंच सके। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, उसको शेयर करें, कमेंट करें। भक्तगणों, इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पूर्व मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आपका या आपके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आ पा रहे हैं, या नौकरी मिलने में समस्या हो रही है, या नौकरी तो मिल गई है पर प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, इनकम से ज्यादा खर्चा हो जाता है, ट्रांसफर हो रहे हैं, शादी नहीं हो पा रही है, या आपका अपना घर नहीं बन पा रहा है, आपका जो व्यापार है उसमें वृद्धि नहीं आ पा रही है, आपके पास धन की कमी बनी रहती है, या आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, आप हर समय बीमार रहते हैं, या आपके बच्चे बीमार रहते हैं, या अन्य ऐसी किसी भी समस्या से आप पीड़ित हैं, तो आप स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर, हमारी वेबसाइट पर जाकर या ईमेल के माध्यम से या व्हाट्सएप वीडियो कॉल के द्वारा गुरु रजनीश ऋषि जी से या गुरु मां रुक्मणी जी से या आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, जिसके लिए आपको एक छोटी सी फीस जरूर देनी होगी, जिसका प्रयोग शनिपीठ मंदिर की व्यवस्था चलाने के लिए, हमारे द्वारा गरीब लड़कियों के लिए फ्री कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाने के लिए, कर्म के काम जैसे कि यज्ञों महायज्ञों के आयोजन के लिए, प्रसाद एवं लंगर के वितरण के लिए किया जाता है। आपके द्वारा दी गई इसी फीस में से हम अगले दिन प्रमुख रूप से आपके नाम से आपके लिए पूजा अवश्य करते। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह चमत्कारी उपाय जिसे करके कोई भी राशि का जातक बड़ी आसानी से सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकता है। आज आपको प्रातः काल उठकर सूर्य देवता की उपासना करनी है। उनकी पूजा करने के लिए आपको इस मंत्र का एक माला जप करना है, ओम राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः। मैं आप सभी के लिए इस मंत्र को दोहराने जा रहा हूं, ओम राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः। जब आप एक माला का जप कर लें तो उसके पश्चात आप सूर्य देवता को मीठा जल अर्पित करें। आप जल में गुड़ या चीनी मिला सकते हैं। यदि आप इस उपाय को श्रद्धा पूर्वक करते हैं तो जल्द ही आपकी सरकारी नौकरी लग जाएगी। हेलो फ्रेंड, मेरा नाम सुब्रतो है, मैं कलकत्ता का रहने वाला हूँ और काम का सिलसिले में मैं रहता हूँ गुवाहाटी में। तो मैं तो पहले पूरा जीरो होके रखा था, मेरा ना ही कुछ काम बन रहा था, मैं बहुत डिप्रेशन में चला गया था। तो मैं यूट्यूब देखता था, तो एक दिन ऐसे सर्च करते करते गुरु माँ को मैं देखा और हाथों हाथ में उनसे कॉन्टेक्ट किया, तो उन्होंने हमको बोला कि ऐसे ऐसे उपाय करना पड़ेगा। तो मैंने किया, ये देखिए आप लोग, मैंने अपना हाथों में गुरु माँ ने जो अंगूर दिया था वो मैं पहन के रखा हूँ। 22 डेज में ही मेरे को अभी, मैं अभी बहुत हैप्पी हूँ, मैं अभी अच्छा से लाइफ जी पा रहा हूँ, मेरा काम भी अच्छे से सही चल रहा है, अभी कोई टेंशन नहीं है। और मैं आप लोगों को भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोगों का कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग आराम से
अच्छा कर सकते हैं, तब एक बार कम से कम गुरु माँ या गुरु जी से आप संपर्क कर लीजिए, उसके बाद देखिए आपका रास्ता अपने आप खुल जाएगा और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। जय सनिदेव, थैंक यू गुरु माँ, लव यू। हमारी वेदों, पुराणों, धर्म ग्रंथों और ज्योतिष शास्त्रों पर आधारित उपायों को और अधिक जानने के लिए हमारे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को यहाँ पर क्लिक करके आप देखते रहें।